दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 12 दिसंबर 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज की लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप की स्थिति आपके लिए कैसी रहने वाली है, आइए जानते हैं। दोस्तों आज का लव राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों आज चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जो कि शनि का नक्षत्र है। किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा, आइए जानते हैं। बात करेंगे राशिफल की। राशिफल में सबसे पहले बात करते हैं राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों आपको बता दें, जनवरी 2022 का लव राशिफल आपको दिया है, आपका ये लव राशिफल सुनिए, उसके बाद में आपको आई बटन पर लिंक मिलेगा आपके लव राशिफल जनवरी 2022 का, तो वो जाकर के देखिए। उसके लिए आपको बहुत कुछ वहां पर खास मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां जो लव राशिफल 2022 में कवर नहीं की थी वो वहां पर मासिक लव राशिफल में, जैसे कि आपको पता है, करते हैं, तो वो जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपके लिए विशेष रूप से बहुत खराब दिन होने वाला है। मानसिक अशांति होगी, डेट पर जाएंगे खर्चे बर्बाद होंगे, पैसा बर्बाद होगा, समय बर्बाद होगा, और जिस व्यक्ति के साथ में आज जिसको इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ेंगे, आज आपको पता लगेगा कि आप जितना सोचते हैं दुनिया उससे कितनी आगे है। आज आपको पता लगेगा, आप सोचते हैं कि आपके जिसके ऊपर आप खर्च कर रहे हैं, आपने हजारों रुपए खर्च कर दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसकी ख्वाहिश तो और ज्यादा है, उसकी ख्वाहिश तो और ज्यादा है, वो तो इतने में इंप्रेस ही नहीं हुई है, नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि आप जितनी चीज को बहुत वैल्यू वाला समझते हैं, वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज्यादा महत्व समझते हैं उस चीज का, सामने वाला व्यक्ति जिसे आप इंप्रेस कर रहे हैं उसकी नजर में तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। तो इसलिए यहां पर आज के दिन आपका समय और पैसा बर्बाद होगा। आज ज्यादा किसी के प्रति आकर्षित होकर के या किसी को पाने की अभिलाषा में उसके पीछे इतना मत पागल हो जाइए कि आप वो बर्बाद कर लें जो आपने बहुत मेहनत से एकत्रित किया है, इस चीज का ध्यान रखिए। तो आज के दिन आपका समय और पैसा और मन पूरी तरह से बर्बाद, मन अशांत होने वाला है, मूड खराब होने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो अगर कॉन्टैक्ट में आएंगे झगड़े, बहस और मानसिक अशांति, डिप्रेशन होगा, सबसे ज्यादा तनाव होगा। अब शनि के नक्षत्र में तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी जाएगी, क्या मैसेज करते रहेंगे आप, पागल हो जाएंगे, मूड खराब हो जाएगा, सामने वाला ईगो ही दिखाता रहेगा। बहुत ज्यादा आपकी लव लाइफ में ऐसी स्थिति बनेगी आज के दिन कि पार्टनर आपको यूज कर रहा है, पार्टनर आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग्स की कद्र नहीं करेगा। आज के दिन वो अपना बुरे से बुरा रूप दिखाएगा, आप उसके बारे में जितना अच्छा सोचते हैं आज वो सब भूल जाएंगे, उसका आज का बिहेवियर, आज का व्यवहार देख करके। आपकी परेशानियों में आप चाहते हैं कि वो आपका साथ दे, लेकिन वो आपकी परेशानियां और बढ़ाएगा, वो आपकी परेशानियों पर केवल और केवल आपको परेशान ही करेगा, और खास करके वो अपने आप को, अपने आप से परेशानी दे करके फिर आपको और परेशान करेगा। इसलिए आपका दिन तो आज के दिन खराब है। मैरिड लाइफ में यहां पर किसी थर्ड पार्टी को लेकर के बहस होगी, आपके जो हक हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो आपसे छीन लिए जाएंगे। आज आप जितना हो सके शांत रहिए, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि जितना आप ईगो दिखाएंगे, जितना झगड़ने की या जितना अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही आपके लाइफ में परेशानियां और बढ़ जाएंगी। विशेष रूप से आप मैरिड लाइफ में उनके उनकी फैमिली में कोई भी व्यक्ति, किसी महिला से खास करके, चाहे आपकी वो देवरानी हो या जेठानी हो, खास करके जेठानी हो, उनसे बहस मत कीजिएगा, क्यों, या उनके बड़े भाई से बहस मत कीजिएगा। ऐसा अगर करेंगे तो वहां पर परेशानी बन जाएगी, वहां पर झगड़े बढ़ जाएंगे।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन काफी ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर ठीक करने वाला भी आपका पार्टनर होगा, केवल और केवल आपका पार्टनर। स्थितियाँ जो ठीक होंगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, उसमें वजह होगा आपका पार्टनर, आपको बहुत सपोर्ट करेगा, इमोशनल होगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको प्यार दिखाएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा पल होगा। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आज के दिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई गिफ्ट उपहार किसी व्यक्ति से मिले, कोई आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे, इम्प्रेस मत होना और कोई गिफ्ट उपहार एक्सेप्ट भी मत करना, कैसे भी करके कोई हेल्प करे, कोई एहसान दे आप उसे एक्सेप्ट मत करना, किसी के एहसान में या किसी की मदद में आज फंस सकते हैं, तो ये आपको प्लान के तहत फंसाने की कोशिश कर सकता है। आपको एहसानों में दबा करके आपको अपने नजदीक ला सकता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आज के दिन आपको बहुत सारी परेशानियों के साथ साथ आज के दिन आपको किसी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम भी नजर आएगी, अपनी लव लाइफ में थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम नजर आएगी। मैरिड लाइफ में आपको स्थितियां अच्छी देखने को मिलेंगी, मैरिड लाइफ में फिर भी आपको प्यार मिलने वाला है आज के दिन। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर के जिद कर सकते हैं और कोई अपनी खुशी के लिए कुछ बात कह सकते हैं और उसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं, आप भी उनका सपोर्ट कर सकते हैं। ये स्थिति है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी के साथ में दोस्ती के साथ आगे बढ़ सकते हैं, कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लव लाइफ में आज अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकते हैं। आज किसी बड़ी जिम्मेदारी को आप मैरिड लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में आप बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं, जिससे आपके पार्टनर का भी आपको काफ़ी सपोर्ट और प्यार मिलेगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं, कोई भरोसेमंद व्यक्ति आपको मिल सकता है। आज किसी के साथ दोस्ती के साथ साथ इमोशनल भी हो सकते हैं। अचानक से आज के दिन नो कॉन्टेक्ट से कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। आज के दिन लव लाइफ में आपके पार्टनर का व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो सकता है और वो आपको थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर किसी एक्स्ट्रा अफेयर के चक्कर में फंस सकते हैं और वहाँ पर फंसे हुए हैं, वहाँ पर परेशानी होगी, तो आपको कुछ शेयर करने वाले हैं या कुछ अपना सच बताने वाले हैं जो उन्होंने आपसे छिपा रखा था, उसे जान करके आप उन्हें सपोर्ट कीजिएगा। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखा जाए तो आपके पार्टनर अचानक से आपको ब्लॉक कर सकते हैं और अचानक से वो आपकी लाइफ से गायब हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको बताएं कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा जिससे वो अपने आप को बदलने का प्रयास करेंगे। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है, बहुत मन अशांत रहने वाला है। आज के दिन किसी पर भरोसा न करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कॉन्टेक्ट में आपका पार्टनर खुद से आएगा और आपको झूठे वादे और झूठी बातें करके कुछ बहाने बनाएगा कि इस वजह से नो कॉन्टेक्ट में गए थे। उसकी बातों पर भरोसा मत कीजिएगा, नहीं तो बुरे पछताएंगे। किसी स्वार्थ के कारण आपके पास वापस आ सकता है, कोई अपनी कोई उसका काम है, उस वजह से वो आ सकता है वापस किसी प्रकार से कोई काम बनाने के लिए। लव लाइफ में आज ब्रेकअप हो सकता है, मैरिड लाइफ में आज झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और आपके पार्टनर की कोई ऐसी बात जो उन्होंने छिपा रखी थी वो आपको पता लग सकती है किसी तीसरे व्यक्ति से, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ अच्छी रहेंगी, लेकिन बहस करने से बचना चाहिए। ये स्थिति है दोस्तों। आप बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आपको जो व्यक्ति मिलने वाला है वो आपको एक दिन में ही पूरा जानना चाहेगा, परखना चाहेगा, आपके पास्ट के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड होगा। बहुत ज़्यादा आज के दिन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन से कॉन्टेक्ट में आने की स्थिति, अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो उसमें झगड़े और पुरानी बातों को लेकर के, और ऐसा लगेगा जैसे कि वो व्यक्ति आपसे सच में पीछे छुड़ाना चाह रहा है। अचानक से आपके मैसेज का जवाब न देना, ब्लॉक कर देना और बहुत ज़्यादा ड्रामा करना। लव लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर शादी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, शादी के कमिटमेंट को लेकर के ज़बरदस्ती कर सकते हैं और आपकी फैमिली से बात करने की जिद कर सकते हैं। आज के दिन मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर किसी बात की
परीक्षा ले सकते हैं आपसे, किसी बात को आजमा सकते हैं आपसे। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन ज़्यादा बात करना आपके लिए झगड़े का कारण बन सकता है, इसलिए अगर पार्टनर थोड़ा सा स्पेस चाहता है तो आज स्पेस दीजिएगा, ज़्यादा बातचीत ना कीजिएगा। दोस्तों आप बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आप किसी के पास में जाएंगे, किसी को इम्प्रेस करेंगे, वो आपका अपमान कर सकता है। आज के दिन दोस्ती के लिए भी समय अच्छा नहीं है। आज के दिन खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में अगर आएंगे तो झगड़े बहस हो जाएगी और किसी थर्ड पार्टी का नाम भी बार बार निकल के आएगा। लव लाइफ में भी आज कोई थर्ड पार्टी परेशान करेगी और आपके किसी थर्ड पार्टी ने आपके प्यार को, आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया है, आज इस बात का एहसास हो जाएगा। मैरिड लाइफ में आज आपको बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खर्चा करवाएंगे तो पार्टनर का गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके किसी नज़दीक के किसी व्यक्ति की वजह से झगड़े हो सकते हैं, और अगर घूमने फिरने जाते हैं तो कोई नज़दीक का व्यक्ति आपके बारे में जान सकता है और चारों तरफ आपकी बातें फैला सकता है, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आपको पार्टनर का काफ़ी प्यार मिलने वाला है और बहुत सारी स्थितियां आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। आज के दिन लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ा बहुत आपको पार्टनर इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, बाकी स्थितियां आपके लिए शानदार रहने वाली हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आपको कोई गिफ्ट उपहार मिल सकता है, कोई आपको इम्प्रेस कर सकता है। आज के दिन आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति बन जाएगी। पार्टनर बहुत इमोशनल होंगे, लव लाइफ बहुत खुशहाली से बहुत दिन अच्छा बीतेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको अपने आप को समझा कर चलना होगा, कुछ समझौते करके आज दिन को बिताना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन आपको बहुत ज़्यादा अपनी बातों को बोलने से पहले सोचना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जिस वजह से आपके पार्टनर आपको बहुत सारी बातें सुना सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, सिंगल हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्ति आपके पास आएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। आज के दिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के दिन अगर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो अपमान ही अपमान होगा। आज के दिन आपको कोई फंसाने का प्रयास भी कर सकता है, कॉन्टैक्ट में अगर आए तो आपका एक्स पार्टनर आपको फंसाने का प्रयास भी कर सकता है। आज के दिन आप इमोशनल होकर के कोई बड़ा निर्णय ना लें। लव लाइफ में आज बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सोचें और आज के दिन पार्टनर की किसी भी बात पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। मैरिड लाइफ में आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको इस बात का पता लग सकता है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज के दिन कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है या मुलाकात हो सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, सिंगल हैं तो बहुत अच्छा कोई व्यक्ति मिलेगा, बहुत खुशियां देने वाला, बहुत आपको जिस तरीके का व्यक्ति चाहिए ऐसा व्यक्ति आपको आज मिलने वाला है। बहुत ही फैमिली के बारे में बातें करेगा, फैमिली के बारे में जानना चाहेगा, और आपको ऐसा व्यक्ति जो आपके ऊपर पैसा खर्च करने में एक बार भी ना सोचे, और जो उसके पास में है अगर एक रुपया तो एक रुपये भी आपको दे दे, अपने लिए ना कुछ बचाए, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से कॉन्टैक्ट में आने की स्थिति आज अच्छी बन रही है। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन लव लाइफ में थोड़ी बहुत आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और शब्दों को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। मैरिड लाइफ में आपके लिए स्थितियाँ ठीक हैं, बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके लिए और ज़्यादा स्थितियाँ अच्छी हो सकती हैं, अगर आप उनकी फैमिली के बारे में बार बार बातचीत ना करें तो। बाकी स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, सिंगल हैं तो आज के दिन आप डेट पर ना जाएं। आज के दिन अगर डेट पर जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा मूड खराब हो सकता है, बहुत ज़्यादा मन अशांत हो सकता है। आज के दिन अपने बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में किसी तीसरे व्यक्ति से शेयर ना करें, कोई थर्ड पार्टी आपकी लव लाइफ को बर्बाद कर सकती है, लव लाइफ में अड़चने उत्पन्न कर सकती है। रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में आज के दिन आपके पार्टनर आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। आज उनके बच्चापन और बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर एक बच्चे की तरह होगा, बिल्कुल ना समझी की तरह, ना समझ लोगों की तरह, तो उससे आप परेशान होंगे। दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज का दिन
बहुत ज़्यादा खराब जाएगा। यहाँ पर आपका ब्रेकअप हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं और तनाव भरा माहौल। आज के दिन दोनों लोग डिप्रेस से रह सकते हैं, ये स्थिति है। दोस्तों यह था आज का लव राशि फल। अगर आपको लव राशि फल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हाँ, और उसके साथ साथ लव टिप्स विद अतुल जी चैनल का इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है, उसे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पर आकर के हम आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान आपको निःशुल्क देने की कोशिश करेंगे, लाइव आकर के बात करेंगे, तो उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।